शमीम भाई, आज अर्जेंसी में सभी पत्रकारों को कॉल करके आपके ऑफिस बुलाया गया, किसी विशेष मुद्दे पर पत्रकार परिषद का आयोजन है, ऐसा कहा गया है। क्या मुद्दा है, क्या आप मीडिया से बात करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी रफीक कामदार साहब इमरजेंसी में भी अगर हमने कॉल किया है तो आप लोग वक्त से पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं मुझे आने में देरी हुई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं यहाँ से लेकर के मेरे मुंबई कोसा का और इतराफ इलाके का। सब्जेक्ट यह है कि कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने जफर भाई बैठे हैं और रेहान भाई, बहुत शिमला, बहुत सब किसका नाम लूँ, बहुत सारे साथियों ने मिल करके जा करके वहाँ पे हम लोगों ने टोरेंट के ऑफिस में ताला मारा। कुछ एक दो लोग हैं शहर में जिनका काम है छीटा कसी करना, कि नौटंकी थी और इस तरीके का जो हुआ दिखावा था। तो मैं पत्रकार भाइयों के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे हम बैठे थे, हमने किसी पत्रकार भाई को कॉल करके नहीं बुलाया था, क्योंकि और हमने यहाँ तक कि हमारे पार्टीज के भी लोगों को हमने किसी को इनवाइट नहीं किया था। अचानक जो हादसा हुआ था उस बूढ़ी माँ का, जो माँ का देहांत हुआ, उस माँ का वो दर्द, उस बेटे का वो दर्द, उस परिवार का वो दर्द रफीक कामदार साहब मुझे देखा नहीं गया। तो मैंने हुसैन भाई ये तय कर लिया कि अगर हम लोग आज एक, मैं खुद एक शमीम खान, मैं एक पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, मैं उसके बाद भी अगर मैं इंसाफ मेरे शहर के लोगों को ना दिला पाऊँ तो फिर मेरी राजनीति पे थू है। और मैंने एक बच्चे की बाइक पे मैं बैठा और मैंने कहा बेटा मुझे टोरेंट ऑफिस छोड़ दो, और रास्ते में जाते जाते मैंने ताला और जंजीर खरीद लिया। तो पहली बात तो मैं मीडिया को ये साफ करना चाहता हूँ कि मैंने कोई भी पत्रकार भाई को कॉल नहीं किया था। अगर किया है तो आप कह दो कि शमीम भाई मुझे आपने फ़ोन किया था। बहुत लोगों ने नाराज़गी दिखाई। नंबर वन, वहाँ हम गए जाके हम लोगों ने ताला मारा, हम लोगों ने रफीक कामदार साहब, आप लोग वहाँ सब मौजूद थे, 6 से 7 घंटा हमें वो दो तीन जो कॉम्प्लेक्स है कुछ फॉर्च्यून या नेचर पार्क वगैरह, तो वहाँ से मकामी लोगों के मुझे कॉल आए। करेक्ट, यानी कामदार साहब कह रहे हैं कि वहाँ के जो 5-6 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लाइट नहीं थी, वहाँ से कामदार साहब को कॉल आए। ठीक है, अच्छा, क्लियर। मैं पहुँचा तो आप थे उधर, मैं वहाँ था। खैर, ये मैं पत्रकार भाइयों के लिए एक बात साफ करना चाहता हूँ। उसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि टोरेंट की लड़ाई तो अब शुरू हुई। जिस तरीके से उस वो बेटा रो रो करके कह रहा था कि मेरी माँ क्या टोरेंट लौटा सकती है, तो दुनिया जान पहनाने से किसी को हार गई है, बाकी सब दुनिया ने कर लिया। दुनिया में बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें आ गई है, टेक्निकल की सब कुछ हो जाता है, लेकिन किसी को जान नहीं पहना सकता, वो अल्लाह ही के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो दो ये लोग कह रहे हैं कि शमीम खान नौटंकी किया या उनके लोगों ने नौटंकी किया, तो आज मैं उन्हें एक बात की दावत देता हूँ पत्रकार भाइयों के माध्यम से कि आप जिस तरीके से जो जगदीश चिल्लरमानी साहब ने हमको राइटिंग में दिया है वो काम अगर नहीं हुआ, जैसे मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं मीडिया के माध्यम से मुमरा शहर की जनता के लिए कि सबसे पहली बात तो ये थी कि हम लोगों ने ये वहाँ पे तकरीबन किसी इलाके में 48 घंटा, किसी इलाके में 72 घंटा, किसी इलाके में 24 घंटा कि जो लाइट नहीं रही उस वो आक्रोश में हमने आंदोलन किया। उन्होंने कहा, जगदीश चिल्लरमानी साहब के साथ तमाम पत्रकार भाई मौजूद थे, उनके सामने चिल्लरमानी साहब ने कहा कि और आपके माध्यम से कहा और आपने दिखाया भी अपने मीडिया के माध्यम से, नंबर वन कि हर वार्ड के अंदर जहाँ पे ट्रांसफार्मर, जहाँ पे लोड ज़्यादा है वहाँ पे हम एक अपना कोई इंजीनियर नियुक्त करेंगे। नंबर वन, ये बात मैं साफ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। नंबर टू, हमारी लड़ाई बहुत दिन से चल रही थी, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने, हमारी गवर्नमेंट थी तो पीढ़ी की स्कीम लाए थे जगह भाई, तो उस वक्त जो है वो स्कीम चली, उसका लोगों ने लाभ भी उठाया, लेकिन बीच में ये स्कीम बंद हो गई। अब पीढ़ी की स्कीम के लिए भी उन्होंने कहा था कि हमने चालू कर दिया है,
लेकिन जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ उसके सेकेंड डे मुझे फ़ोन जफर नुमानी साहब का आया कि भाई जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बात किया और मैंने बात करके कहा कि आप ये पीडी की स्कीम या जो जो हमारे आपके साथ में कंडीशंस तय हुए हैं आप उस पर इम्प्लीमेंट लाओ, उसको आप चालू करो। तो उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया, आज से उन्होंने उस कॉर्ड पर चालू कर दिया लेटर। तो एक तो पीडी स्कीम का काम हो गया, एक उस हर वार्ड के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोडेड है लाइट का वहाँ पे उन्होंने आदमी नियुक्त कर दिया। तीसरा हम लोगों ने ये मांग किया था कि 500 रुपये का ही आप पैसा लेंगे मीटर का। हाँ अगर कोई अमीर है मतलब कोई सुनवास भी जैसा तो उससे आप 800 रुपये ले लो, लेकिन जो गरीब है जो कहता है कि मेरे पास 500 रुपये ही पे कर सकता हूँ, उसकी पोजीशन वही है, तो वो 500 रुपये दे करके अपने नए कनेक्शन का मीटर लगवा लें। ये हम उनके साथ में ये अनुरोध या हम आप बताना चाहते हैं। उसके बाद एक बहुत अहम मुद्दा था कि किसी पे कोई विजिलेंस केसेस सुनाना साहब नहीं होना चाहिए। विजिलेंस केसेस जब होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी, जो यंगस्टर बच्चे हैं गमदार साहब उनके एजुकेशन में, अभी जबर भाई ने आंदोलन के अंदर इनका पासपोर्ट नहीं बन रहा है वरना ये साथ में ओरे में गए होते, इनका पासपोर्ट रुक गया क्योंकि ये प्रोटेस्ट इन्होंने किया है, इनका कंप्लेन है। इस तरीके से जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं यंगस्टर बच्चे हैं, जैसे अभी यही नगर सेवक है, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं, तो ये जानते हैं इनके वो कौन सा केस था, वो जो मैडम था आप लोगों ने निकाला था अभी कामदार साहब उसमें जबर भाई खड़े हुए थे तो इनके भी केस बन गया। तो ठीक है कानून है उस पर आप कुछ नहीं कह सकते, यंगस्टर बच्चों के ऊपर परिवार के ऊपर कोई भी केस नहीं बनेगा विजिलेंस केस। 3 बार 3 महीने में एक नोटिस जाएगी, 3 महीने में तीन नोटिस जाएगी। 3 नोटिस के बाद भी अगर हमने हमारे कहीं हमारा मीटर छेड़खानी किया हुआ है, कहीं हमारे मीटर में कोई फोल्ड है तो हम उसको सुधार कर लें। 3 नोटिस आएगी, 3 नोटिस में अगर बबलू भाई ने सुधार नहीं किया तो अगर बबलू भाई पे केस बन गया विजिलेंस केस है। जमीन पे सिर्फ सुधार की बात नहीं, वो नोटिस पे के लिए, नोटिस पे के लिए भी जी पेमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ सर। तो वो विजिलेंस केसेस नहीं होंगे, और अगर 3 महीने बाद बबलू शिमला भी प्रॉब्लम आ गया, अगर कभी इन्होंने नहीं कहीं पे किया होगा तो इनके लिए भी हम फोन नहीं कर सकते। ये हो गई बात। रही बात जो बिल की, जैसे बहुत सारे फास्ट ट्रेडिंग आ जाती है कामदार साहब, बहुत सारे बिल के जो इशूज आते हैं तो उनको भी 3 नोटिस 3 महीने की आएगी, और अगर उन्होंने उसको कंप्लीट नहीं किया तो वो लोग केस करेंगे। लेकिन देखिए डिस्क्रेडिट करेंगे उन चीज़ों को ऐसा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब सब्जेक्ट हमारे वहाँ पे पूरे हमारी मांग थी और इसको जगदीश चिल्लर अमानी साहब ने, हाँ उसमें एक आदमी था जिसका नाम था समीर पठान। देखिए इमरान नाम मेरे मुँह में इसलिए बार आता है कि वो इमरान पठान ही गुंडा है, कामदार साहब वो घुमंडी से आता है मुंबई में और वो गुंडागर्दी करता है। समीर पठान की इमरान पठान नहीं, सुनिए ना सर, समीर पठान वो है इमरान पठान जो बार बार मुंबई में आता है ना। हाँ समीर पठान एक तरह से गुंडा टाइप का कहता है ये बिल है तुम्हारा, तुमने पे नहीं किया, ए इनका मीटर काट दो। कोई बात करने जाता है इनका लाइन कर दो डिस्कनेक्ट, कोई बात करने जाता है तो बोलता है तुम पे केस कराऊंगा पुलिस स्टेशन, ये सब चले उड़ेगा नहीं। इसी तरीके से एक समीर पठान आ गए जो उस दिन का हादसा हुआ 48 घंटे का कामदार था, उसका भी अगर मैं कहूँ देखिए मौत और जिंदगी तो सुरक्षा के हाथ में, लेकिन इंसान डॉक्टर के पास दवा लेने जाओ भाई क्यों जाता है, क्योंकि वो उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो वो दवा जो थी, जो पंखा था, जो लाइट थी वो है ही नहीं। एक खाला थी जो बेहोश हो गई थी, आप लोगों ने देखा था, एक बल्ब जलता है हमने देखा है नीलेश कंवरिया जी, मैं मेरे बचपन के याद दिलाता हूँ आपको, जब मैं गांव में बचपन में रहता था उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ मैं, तो मेरे घर के अंदर भी ऐसे एक बल्ब टंगा हुआ था और स्टोव पे खाना बनता था और छोटा सा एक मकान था, कहने में मुझे कोई शर्म नहीं उसके अंदर, जो हकीकत को कहना पड़ेगा। उस खाला का कोई सेम पोजिशन था गरीब लाली साहब, लेकिन उसका 4 महीने का बिल इस्लामुद्दीन भाई 67,000 रुपये। वो खाला ऐसा छाती ठोक ठोक के चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि जब मेरे पास ना मेरा औलाद है ना मेरा शौहर है तो पैसे कहाँ से पे करूँ मैं, अगर पैसे पे नहीं करेगी तो उसका लाइन काट देंगे। तो ये हम आपके माध्यम से ये सब चीज़ें हमारे आवाम को बताने के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं कि ये सब्जेक्ट है, और अगर आप लोगों ने देखा हो तो ठीक है,
नहीं तो मेरे मोबाइल में वीडियो मौजूद है। कल हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने कल अधिवेशन के अंदर वहाँ हाउस में उन्होंने टोरेंट के विरुद्ध में आवाज उठाई, क्या ये सच कह रहा हूँ मैं? अगर सच कह रहा हूँ तो आप लोग हाँ कर दीजिए, वरना वीडियो मुझे मैं दिखा देता हूँ मैं मोबाइल तो वही आप लोग देखिए। कल हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने टोरेंट के विरुद्ध में आवाज़ उठाई, मुझे भी उन्होंने कहा है, आदेश दिया है कि अगर टोरेंट सुधरती नहीं है तो हम लोग वहाँ पे ये थे डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब हमारे नेता, जिन्होंने कल ही रफीक कामदार साहब उन्होंने टोरेंट के खिलाफ हाउस में आवाज़ उठाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कल मैंने देखा कि कोई एक छोटी मोटी पार्टी शहर में है, कोई उसके सेक्रेटरी वगैरह के नाम तो उनका जानता नहीं मैं, वो भी कल कह रहे थे यीशु फोकस साहब उनका इंटरव्यू ले रहे थे, सामने खड़े यीशु भाई, कि उनको उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं उतरते हैं रोड पे, आप क्यों शमीम खान को कहते हैं कि वो नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। यूसुफ भाई ने पूछा, एक पत्रकार साहब ही ने पूछा, तो उनके पास जवाब नहीं था। तो मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ, उनका बहुत मैं एहतराम करता हूँ, और कोई और एक पार्टी के मुमरा में कोई एक है, वो जो भी कोई है, उन्होंने भी कहा, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, आज शमीम खान आपसे हाथ जोड़ के कहता है, जो अपोज कर रहे हैं, कि टोरेंट के विरोध में इससे खतरनाक मोर्चा निकलने वाला है, कोई राष्ट्रवादी का झंडा नहीं होगा, कोई घड़ी का सिंबल नहीं होगा, कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे नहीं होंगे। हाँ, लेकिन जिस शहर ने डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब को एमएलए चुना है, आपने भी माना है उनको एमएलए, वो एमएलए हैं, वो एमएलए आपके साथ शामिल रहेंगे, आप सब लोग आएँ और आ करके इस आने वाले वक्त में जो हमारा जो हमारी प्लान है, मैं उसको अभी लिकआउट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत खतरनाक प्लान है रफीक कामदार साहब। अब जंग चालू हो चुका है, हर बार की जंग हो चुकी है। एक सवाल है सर, मैं बोलूँगा आपका सवाल लूँगा मैं सर, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो विरोध में बैठ करके वो कुर्सी पर बैठ करके थोड़ा स्टाइल करते हैं, उनको स्टाइल वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि तुमसे अच्छा हंस के बात करना मुझे भी आता है, लेकिन मेरे शहर को उनके दुख में मैं हंस करके मैं अपना मजाक बनाना नहीं चाहता कामदार साहब। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आवाम के साथ जो जुल्म हुआ है और जो जुल्म ज्यादती हो रही है, ये जुल्म ज्यादती को बंद करे टोरेंट, वरना मैं जगदीश चिला रमानी साहब को कहना चाहता हूँ कि जगदीश चिला रमानी साहब, और हाँ एक सवाल बताना भूल गया कि एक दो पत्रकार भाइयों के जरिए कुछ लोगों ने कहा कि जहाँ पे बिल कलेक्शन हो रहा था तहाँ तो शमीम खान ने आंदोलन नहीं किया, उनके लोगों ने ऊपर जाके आंदोलन किए। अरे भैया आपको पता है क्या, वहाँ पे मेरे कंज्यूमर खड़े थे, तो जहाँ मेरे कंज्यूमर खड़े थे मेरे कंज्यूमर को तकलीफ में नहीं दे सकता, और जहाँ पे इनका सिस्टम बैठता है, जहाँ पे इनके बॉस बैठते हैं, जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, जो इनकी फर्स्ट फ्लोर की ऑफिसर कामदार आपने देखा है, वहाँ पे पूरे इनके 50 स्टाफ बैठते हैं, मैंने ताला वहाँ मारा था और ताला मारने की मेरे ख्याल से जरूरत वही थी। टोरेंट का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था जी, टोरेंट का मेन एडमिन ऑफिस वही थी जहां ताला मारा था। खैर आपको मालूमात में कमी है, थोड़ा कुछ मालूमात करो, जरा निकलो अपने घर से बाहर, खाली कमेंट्स करने से या कमेंट्स करवाने से या मुँह से कहने से कोई फैसला नहीं होता, ना ही कोई डिसीजन होता है। आओ हम सब मिल करके हमारे शहर को बचाएं और टोरेंट को भगाएं। पूछिए सर, और जो नीचे लोग थे वो प्रोटेस्ट में शहर के सब लोग शामिल हुए थे और बिल भरने के लिए भी आए थे। बोले नदीम भाई, अभी जो वीडियो आप यहाँ पे दिखाया,
के टोरेंट को हटा करके दूसरे कंपनी डिमांड हो रही है, प्राइवेटाइजेशन सरकार थी आपकी, उसको क्यों नहीं ये बात हुई? नदीम भाई, टोरेंट तो शुरू से ही नदीम भाई, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, अगर आप पूछेंगे तो मोबाइल में मेरे ऑन द रिकॉर्ड दिखाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे बारे में शहर में बहुत बातें होती है कि टोरेंट के विरुद्ध में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मतलब वही कहते हैं जो 10-12 लोग हैं, बाकी आवाम जानती है कि मैं आवाम के लिए क्या हूँ और क्या करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब टोरेंट आई उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी महाराष्ट्र में। अब आप कहेंगे तो आपके आमदार ने उस पर ऑब्जेक्शन क्यों ले लिया, तो मैं जवाब दूंगा कि नागपुर के सीढ़ियों पे मैं शानू पठान, डॉक्टर मुमताज शाह, डॉक्टर जितेंद्र वार साहब, डॉक्टर साहब है आप, मुमताज शाह कहाँ है, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब को बैठने तो भाई, डॉक्टर साहब बैठिए, डॉक्टर साहब अरे आइए आप बैठिए, पूछ लीजिए, नागपुर के डॉक्टर साहब ठीक है, नागपुर के सीढ़ियों पे बैठ के डॉक्टर साहब, हम लोगों ने आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था, हम लोगों ने अवार्ड साहब के साथ हम लोगों ने किया था, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने हमेशा आवाज उठाई, हम लोगों ने हमेशा आवाज उठाई। और जो ये कहते हैं ना कि शमीम खान ने कहा था कि टोरेंट आई तो मेरे लाश से जाएगी, अरे भाई गवर्नमेंट को डराना, गवर्नमेंट को धमकी देना इस तरीके से कि एक शमीम खान एक सामाजिक आदमी ऐसी बात कह रहा है कि अगर टोरेंट आई तो मेरे लाश से जाएगी, अगर मैंने गवर्नमेंट को डराने वाला काम किया तो मैंने क्या गलत किया? अगर मैंने ये कहा कि टोरेंट से मेरा अपोज है, तो जिस दिन से टोरेंट आए और आज तक दो आंदोलन कर चुके हैं हम लोग, जो दशरथ पाटिल साहब के नेतृत्व में, डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के नेतृत्व में, सैयद रेशरफ भाई साहब, शानू भाई सबके नेतृत्व में, नगर सेवक लोगों के साथ में हम मिल करके हम लोग तलवा से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक गए थे, क्या ये झूठ है? ये भी सच है, हम लोगों ने भारी बरसात में जवाहर भाई हम लोगों ने मिल करके, डॉक्टर साहब शोएब भाई, हम लोग सब पूरे जितने लोग बैठे, बबलू भाई, जावेद मेडिकल, शमीम भाई, सब मिल करके हम लोग आंदोलन किए, मोर्चे वगैरह की जो सच्चाई है ना, तो वो हम लोग लोगों को बता चुके हैं सर कि पूरे मुमरा कौसा से राजनीतिक दलों के लोगों के अलावा हर एक राजनीतिक दल के, किसी के 2-5 थे, किसी के 5-10 थे, किसी के 15 थे, राष्ट्रवादी के सबसे ज्यादा थे, 1-2-250 से ज्यादा की तादाद उस मोर्चे में नहीं थी। इसके जिम्मेदार अगर हम न्यूट्रल रह के कहें तो शहरवासी भी है, शहरवासियों को भी हजारों की तादाद में उस मोर्चे में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। उसका रीजन ये है सर कि जो शहरवासी नहीं पहुंच पाए, कामदार साहब एक्चुअली अचानक सब हो गया और कोई उसका ऐलान नहीं था, लेकिन कामदार साहब मैं मुमरा शहर की आवाम से ये अपील करता हूँ कि अब टोरेंट के विरुद्ध में लड़ाई छिड़ चुकी है, छिड़ी पहले से थी लेकिन शायद भाई अब खतरनाक हो चुकी है। और ये जो कहते हैं ना, इस्लामुद्दीन भाई, मोइन भाई, ये जो कहते हैं ना कि शमीम खान के ऊपर कंप्लेन दर्ज करो, आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, मैं एक बात पूछता हूँ, आप सब तमाम साथी भाई यहाँ मौजूद हैं, तुम आंदोलन के खिलाफ इसका मतलब हो? अगर हमने आंदोलन किया, कामदार साहब तुम्हें बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ, मैं कामदार साहब बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ जबर भाई, कि अगर हम लोगों ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया और आप कहते हो शमीम खान के ऊपर कंप्लेन दर्ज होनी चाहिए, तो इसका मतलब आप तुरंत के सपोर्ट में हो? अगर आप तुरंत के सपोर्ट में हो तो भाई हाथ जोड़ता हूँ आपको, अपना अपनी पार्टी मुबारक, और अगर टोरेंट के सपोर्ट में हो तो आओ हम सब मिल करके प्रोटेस्ट करेंगे और टोरेंट को बताएंगे कि हमारे शहर में ये दादागिरी हम लोग नहीं होने देंगे, और टोरेंट के जो भी डायरेक्टर हैं, जो मालिक हैं, जो बॉस लोग हैं, उन्हें मैं विनंती करता हूँ, मजबूर मत करो, वरना शहर में कोई भी नाका और कोई भी गली ऐसी नहीं बचेगी कि जहाँ पे ब्लैक झंडे के साथ हम लोग निकलेंगे और टोरेंट को बंद करा करके अपॉज रिटर्न होंगे। ये आज मैं मीडिया के माध्यम से वादा करता हूँ। और ये जो चचा एक कोई मुमरा में रहते हैं, वो चचा बैठ करके कहते हैं कुर्सी पे, एक ही बॉस कुर्सी होती है, बैठ के कहते हैं अरे वो मेरा कुछ नाम लेते हैं, डोरेमोन वगैरह मुझे बोलते हैं वो, खैर मैं चचा ही कहूँगा, उनके बुजुर्ग आदमी है, उनकी उम्र हो चुकी है साहिब भाई, कुछ भी कह देते हैं वो, उम्र हो गई उनकी, अल्लाह उनको थोड़ा सा जरा और जो है, तो कहते हैं कि डोरेमोन ने ये कहा था, डोरेमोन ने ये कहा था। चलिए आइए आप इस आंदोलन की क्यादत कीजिए, आने वाले वक्त के आंदोलन की, शमीम खान को अगर आपको उसकी लाश चाहिए, अगर आप टोरेंट जा सकती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ।
अभी मैं ऐसा ना हो कि फिर यही वादे को लेके लोग फिर आप पे नहीं आप सुनिए 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 मैं बड़े होशो हवास में कह रहा हूँ रफी कामदार साहब सुनिए मेरा बोलना ये है मेरा बोलना ये देखिए इस्लाम के अंदर सुसाइड करना इस्लाम के लिए हराम है हराम है लेकिन अगर मैं टोरेंट मुझे जेल भेज देती है अगर टोरेंट में अगर टोरेंट में वो आपके लिए फांसी के बंदे का जिक्र करते हैं जी चचा की आप बात कर रहे हैं कि वो अक्सर आपके लिए फांसी के बंदे की बात की बात नहीं किया था जी मैंने कहा था अगर टोरेंट आए तो हमारे और हमारे शहर के लोग लाश से गुजरेगी चचा की बात तो मैं चचा की बात कब कहता हूँ चचा ऐसा दावा कर नहीं सुनिए तो चचा थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए हैं उनका दिमागी संतुलन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है तो मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ उसके बाद भी एहतराम करता हूँ आगे भी करूँगा लेकिन एक बात कहता हूँ कि मेरा नाम शमीम अहमद खान है मेरे वालदेन ने बड़ी मोहब्बत से मेरा नाम रखा है और आप इस नाम को ये नाम देते हो तो आवाम ये शहर की आवाम आने वाले इलेक्शन में आपको बराबर जवाब देगी।